हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं क्या फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे हो बनता है? तो चलिए देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है और इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। तो हमने अपने प्रोग्राम में IDLE को ओपन कर लिया है। हमने एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमने ये फाइल ओपन कर ली। अब हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लिखने वाले हैं फैक्टोरियल का। तो पहले जान लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मीन होता है, जैसे कि लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इसका मतलब है 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, इसको यहाँ पर फैक्टोरियल का साइन से इंडिकेट करते हैं। तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से लेके 5 तक के नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है 1 से लेके उस नंबर तक के सभी नंबरों का मल्टीप्लाई जो आएगा वो उस नंबर का फैक्टोरियल कहलाएगा। जैसे कि हमने 5 डाला तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में मिलेगा हमको 120। तो ये 5 का फैक्टोरियल है। तो 5 का फैक्टोरियल है 120। तो हम देखेंगे कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमें इसमें यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा और हमें 1 से लेके उस नंबर तक के सभी नंबरों से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे नंबर का फैक्टोरियल होगा। तो देखते हैं इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले यूज़र से n का इनपुट लेना पड़ेगा, यानी कि वो नंबर जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। तो हम पहले इन दोनों को कमेंट लाइन में डाल देते हैं। तो इसके लिए हैश सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा जिससे ये कमेंट साइन बन जाए। ओके, अब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले n का इनपुट लेंगे। तो लिखेंगे n = int(input). तो हमने ब्रैकेट में इनपुट लिखा, यहाँ पर हम एक नंबर मांगेंगे एंटर। तो लिखते हैं एंटर अ नंबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंटर अ नंबर और डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हमने n का इनपुट मांग लिया। अब हमें 1 से लेके n तक के सारे नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक टर्म है, वो ये है कि नॉर्मली अगर हमें काम दिया जाए कि आपको 1 से लेके 5 तक के नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, तो हम अपने प्रोसेस में क्या अप्लाई करेंगे, हमें एकदम से पता नहीं चलेगा कि 1 से लेके 5 तक के नंबर का मल्टीप्लाई क्या है। तो हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, 1 by 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या बन रहा है। जैसे कि अगर आपसे बोलते हैं कि 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 1 × 2 करोगे। उसका जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 3 से करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 4 से करोगे, फिर उसका जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 5 से करोगे, यानी कि 1 × 2 2। उसके बाद आप जो 2 आया उसका मल्टीप्लाई 3 से करके करोगे और बन जाएगा 6। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, जिससे बन जाएगा 24। फिर आप 24 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से और बनेगा 120। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई आया। तो हम एक झटके में नहीं कर सकते, हमें 1 by 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बार बार नए नए नंबर चाहिए जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एक प्रोग्राम में लूप चलाएंगे, फॉर पाइथन का फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में लिखेंगे 1, n। अगर हमने ऐसे लिखा 1, n, तो हमें पता है कि पाइथन में हमारा लूप एक कम चलता है, तो n की वैल्यू अगर 5 होगी तो लूप 4 टाइम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये लूप पूरा 5 टाइम चल सके उसके लिए हम n में एक बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ये 1+1 करके वैल्यू रख लेगा, जिसकी वजह से लूप उतना चल पाएगा जितना यूज़र ने इनपुट किया है। जैसे कि यूज़र ने दिया है 5, तो ये लूप 1 से 6 चलेगा, तो एक कम चलता है तो चलेगा 5 तक और हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अब कॉलन साइन लगा देंगे, एंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, 1 से लेके n तक के नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपने देखा, मैंने बताया था आपको कि 1 × 2 करेंगे तो आंसर में हमारा 2 आएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लेटेस्ट वैल्यू हमने बनाई है यानी कि 2, उसी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 बना लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 में ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और हमारा आंसर बनेगा 24, और फिर हम उस 24 में ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 का और हमारा आंसर बनेगा 120। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि जो भी हम लेटेस्ट आंसर लाते हैं हम उसमें नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वैल्यू हमें हाथ लगती है हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं और फिर अगली बार अगले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें पुरानी वैल्यू जो आंसर वैल्यू है उसको साथ में लेके कंटिन्यू करना है। तो जब भी हमें प्रोग्राम में पुराना आंसर साथ में लेके आगे बढ़ना होगा, तब हम उसमें एक ही वेरिएबल को दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड लिखते हैं। जैसे कि हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमारा फैक्टोरियल स्टोर होगा और हमने लिया f, इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से। अभी हम बताएंगे कि इसको 1 से इनिशियलाइज़ हमने क्यों किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे f = f(i),
एफ इक्वल टू एफ इंटू वाई किया, इससे क्या होगा, जो आई की वैल्यू है यानी कि 1, 2, 3, 4 वो सभी मल्टीप्लाई होंगी एफ में और एक आंसर बनाएंगी। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा लूप चला के देखें तो क्या होगा, सबसे पहले एफ जब लूप चलेगा तो एफ की वैल्यू की जगह 1 बैठेगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 का, क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, तो 1 इंटू 1 आंसर हमें मिलेगा 1। नेक्स्ट टाइम ये अभी 1 इंटू 2 करेगा क्योंकि एफ की लेटेस्ट वैल्यू अभी 1 ही है, लेकिन आई अपडेट हो चुका होगा, आई की वैल्यू 2 हो गई होगी, तो 1 इंटू 2 2। नेक्स्ट टाइम एफ की जगह लेटेस्ट वैल्यू 2 बैठेगी, उसमें मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो 2 इंटू 3 बन जाएगा 6। नेक्स्ट टाइम अभी लेटेस्ट वैल्यू 6 है तो f की जगह पे 6 बैठेगा और i की जगह पे 4 बैठेगा और ये इक्वल करके बनेगा 24। तो इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये लूप चलेगा और f के पास एक वैल्यू बन जाएगी। तो अगर हमने ये लूप 4 बार चलाया होगा तो आप देख रहे होगे कि f की वैल्यू लास्ट में 24 होगी। तो इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। अब अगली बात ये है कि ये लूप चलने के बाद f के पास एक वैल्यू कलेक्ट होगी जो कि हमारे फैक्टोरियल का आंसर होगा। तो अब हमारी यहाँ पर बात आती है कि हमें f की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि हम f को प्रिंट कहाँ पे कराएं, लूप के अंदर या फिर लूप के बाहर। तो जब भी कभी आप लूपिंग का प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको प्रिंट का फंक्शन लगाना है और आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हमें उस प्रिंट से एक आंसर चाहिए या बहुत सारे। अगर आपके अंदर से आता है कि हमें उस प्रिंट फंक्शन से सिर्फ एक ही आंसर चाहिए, तो वो प्रिंट कभी भी लूप के अंदर नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सा लॉजिक है कि अगर हम किसी प्रिंट को लूप के अंदर रखेंगे तो वो प्रिंट उतनी बार चलेगा जितनी बार वो लूप चलेगा। ऐसा करने से वो प्रिंट मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करेगा, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में हम जो देख रहे हैं उसमें हमें एक ही आंसर को डिस्प्ले करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है वो हमें डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे मैं समझ में आ रहा है कि हमें अपना जो प्रिंट है उसको लूप के बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रिंट एक ही वैल्यू डिस्प्ले करे ये तभी पॉसिबल है जब वो लूप के बाहर रखा हो। अगर हमने लूप के अंदर उसको रख दिया तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो प्रिंट भी अप्लाई होगा। तो उसको देखते हुए हम अपना प्रिंट लूप के बाहर रखेंगे और उसमें f की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे, क्योंकि हमारा जो फैक्टोरियल वैल्यू है वो f में आया है और उसको हमने प्रिंट करा दिया। एक चीज़ और सीखने है, यहाँ पर हमने इसको 1 से इनिशियलाइज़ कराया, ऐसा क्यों? हमने यहाँ पर इसको एक इनिशियल वैल्यू दी है 1, और ये 1 ही इसलिए दी है क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर हमने इसको किसी अदर नंबर से इनिशियलाइज़ किया होता जैसे कि 0 से, तो फिर जब ये स्टार्टिंग करेगा तो 0 इंटू 1, तो ये f की वैल्यू को 0 कर देगा, और फिर नेक्स्ट टाइम 0 इंटू 2 फिर से 0 कर देगा, ये बार बार 0 करेगा और हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हमने इसको 1 से नहीं स्लाइस किया। अगर आप 2 से करते हो तो भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अननेसेसरी डेटा 2 से मल्टीप्लाई करके दुगना हो जाएगा, जो हमारे आंसर को गलत कर देगा। तो हमने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, और मोस्ट ऑफ केस में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको 1 से नहीं स्लाइस करोगे, जब भी आप सम करते हो तो आप 0 से इनिशियलाइज करते हो, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने 1 का ऐड किया तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए जब आप एडिशन कर रहे हो तो 0 से इनिशियलाइज करो, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 से इनिशियलाइज करो। यहां पर एक चीज और है, हमने यहां पर दोनों साइड सेम वेरिएबल रखे हैं। इसका रीजन ये है कि जब भी कभी आपको पुराना वाला आंसर साथ में लेके कंटिन्यू करना हो, आगे बढ़ना हो, तो उस टाइम पर आप दोनों साइड सेम वेरिएबल रखते हो, ताकि वो वेरिएबल अपने आप को खुद से अपडेट करता चला जाए और अपनी वैल्यू को बढ़ाता चला जाए। तो इस तरीके से f अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर करके बढ़ाता चला जाएगा, उसके बाद जब लूप रुकेगा तो लूप के बाहर आके वो f की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है वो बन चुका है और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको क्रॉस चेक करके देखेंगे इसके आउटपुट को, क्या ये प्रोग्राम आंसर दे भी पा रहा है या फिर नहीं। तो इसको हम लोग रन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग F5 प्रेस करेंगे। ओके, ये हमसे सेव करने के लिए बोलेगा, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, नाम देते हैं fact.py। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये सेव होकर रन हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोग्राम रन हो गया, पाइथन सेल ओपन होकर आ गई। यहाँ पर हमें एक नंबर देना है जैसे कि 4, तो ये 4 का फैक्टोरियल देगा। तो हम एंटर करेंगे तो देखा हमने यहाँ पर कि 24 आया, तो 24 इज़ अ फैक्टोरियल ऑफ अ 4। तो ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 1 से 4 तक का तो आपको 24 ही मिलेगा। एक बार हम इसको और रन करेंगे, हमने फिर से रन किया, F5 प्रेस किया, यहाँ पर हमें डाला 5। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 5 डाला, जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 5 का फैक्टोरियल देगा, इसने हमें 120 दिया 5 का, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो आंसर दे पा रहा है, और हमने यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज़ क्यों किया हमने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोनों साइड सेम वेरिएबल हमने क्यों लिए इसका भी हमने रीज़न बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने प्रिंट को बाहर क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी हमें एक आंसर चाहिए तो हम कभी भी लूप के अंदर प्रिंट को नहीं लिखेंगे, हमेशा बाहर लिखेंगे।
तो इस तरीके से बहुत ही छोटा प्रोग्राम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।